नमस्ते बहनों, आज हम थाल पोस बनाने जा रहे हैं। थाल पोस हम बनाएंगे तीन कलर से, सफ़ेद, गाजरी और ग्रीन कलर से। क्रूसिया का नंबर है 1.10 mm। चलिए पहले गाजरी कलर से हम बनाना शुरू करेंगे। पहले हम नोट बांध ले रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हम यहाँ पे चैन ले लिए हैं। लास्ट वाले में ले आके इसे ज्वाइंट कर देंगे। एक, दो, तीन चैन लिए, एक, दो, तीन, तीन एक चैन का चार हो गया है। हमने बना लिया, एक, दो चैन ले लिए, एक, दो, तीन, चार। इसे ऐसे करके ऐसे फंदे निकाल के करते हैं। इसको ऐसे करेंगे तो फैलेगा नहीं मोती। फिर एक, दो चैन हमने ले लिया। फिर अब यहाँ पे हम बना रहे हैं। चार हमने कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पे तीन बना लिया है मोती। ऐसे पूरे राउंड में हमें 10 मोती बनानी है। ये लास्ट यहाँ पे मोती के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर दिया, एक चैन और ले लिए हैं। अब इसे हम काट देंगे ऊन को। अब ये देखिए हमारा कितने हो गए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, एक, दस। 10 हमने बना लिया। अब इसके आगे हम सफ़ेद ऊन लगा लेंगे। बहुत प्यारा डिजाइन है ये। टेबल कवर भी आप बना सकते हो, थाल पोस भी। इसको जिस जैसे चाहे तैसे यूज करोगे। जो बहने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहती हैं, इंस्टाग्राम आईडी है हमारे बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन। अब देखिए हम यहाँ पे जो दो चैन लिए थे, अब यहाँ पे ले आके हम इसको यहाँ पे एक एक हमने ये कर दिया है, ज्वाइन किया है एक चैन लेके। फिर एक, दो, तीन, चार, ये हमने बना लिया। फिर एक चैन ले लिया। फिर इसी में हम बना रहे हैं, इसी लूप में एक और मोती बनाएंगे, चार। अब एक, दो चैन लेके हम दूसरे वाले इसमें बनाएंगे जो दो चैन हमने लिया था। एक चैन ले लेंगे, फिर इसी में बनाएंगे, फिर एक, दो चैन लेंगे, फिर दूसरे वाले में ऐसे पूरे राउंड में बना लेंगे। देखिए हमने पूरे राउंड में बना लिया। यहाँ ले आएंगे मोती के ऊपर, इसे ज्वाइंट कर दिए हैं सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इसके हम बीच में इसे ले आके निकाल ले रहे हैं अभी डबल क्रोशिया किए हैं। फिर इसी में हम ले आके ऐसे पूरा निकाल लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, बुनाई करेंगे, फिर ऐसे पूरा निकाल लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ऐसे निकाल लेंगे। देखिए हमने तीन बार डबल क्रोशिया करके और साथ में ही निकाल लिया फंदे। एक चैन हमने लिया, फिर डबल क्रोशिया कर रहे हैं। अब दूसरे वाले में इसमें देखिए हम बना रहे हैं, ऐसे ही हम निकाल लेंगे। देखिए एक बार हमने किया, फिर दो, तीन, एक चैन लेना है, फिर इसमें एकदम सेम वैसे ही करनी है पूरे राउंड में। ऐसे एक चैन लेके देखिए
देखिए हमने यहाँ लास्ट तक हमारा हो गया है। यहाँ पे एक चैन लेके हम जहाँ से शुरू किए थे वहाँ में सिंगल कुर्सिया ले आके जॉइंट कर लिए हैं। अब इसे काट देंगे हम। अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे, हरा कलर, इसको टाइप। देखिए यहाँ से हम, यहाँ पे हमारा जॉइंट हुआ था। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ से शुरू कर ले रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं फंदे को। तीन कर लिए हैं फंदे, तीन फंदे का हमने मोती बनाया है यहाँ पे। एक और कर ले रहे हैं चार। अब फिर डबल क्रोशिया करके फिर इसी में एक मोती और बना ले रहे हैं। एक चैन ले ले रहे हैं, अब दूसरे वाले में बनाएंगे। दो तीन चार डबल क्रोशिया। यहाँ पर मोती बीच में, मोती बनाने के बाद हम चैन नहीं ले रहे हैं इसमें। दो तीन चार, एक चैन लेके आगे वाले में बनाएंगे। देखिए जैसे हम ये बना रहे हैं ऐसे ही पूरा राउंड हमें बना लेना है। देखिए पूरा राउंड हमने बना लिया है। हमने बताया था कि एक एक चैन लेना है और टाइट चैन लेना है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी सुकड़ा दिखे तो चैन मत लेना, चैन को स्किप कर देना। देखिए हमने यहाँ पे इसे बना लिया था। हम चैन नहीं लेंगे ये मोती के ऊपर, इसे हम सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर दिए हैं। एक और चैन लेके इसे हम काट देंगे ऊन को। अब इसके बाद हम सफ़ेद कलर लगाएंगे। देखिए अब सफ़ेद कलर हम यहाँ से लगा ले रहे हैं। इस साइड कर दे रहे हैं। एक दो तीन, तीन हमने चैन लिया, ले आके हम यहाँ पे ज्वाइन किए। एक दो तीन, तीन हम एकदम ढीला ढीला चैन ले रहे हैं। अब देखिए ये पूरा हमारा डिजाइन इस वाले में हम कर रहे हैं। देखिए एक दो तीन, अब देखिए एक दो मोती जो एक में ही बनाए थे उसको छोड़ के हम इस साइड वाले पे सिंगल क्रोशिया इसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरा राउंड बना लेना है। देखिए यहाँ पे हमने बना लिया, पूरे राउंड बन गया है। अब इसे ये जो हमने चैन लिया था, देखिए सिंगल क्रोशिया इसे हम करके इतना बड़ा बढ़ा दिए हैं फंदा को। एक दो तीन, एक जो फंदा बढ़ाए थे ये हो गया। एक चैन लिए फिर इसी लूप में बना रहे हैं। चार चार फंदे की मोती बना रहे हैं। देखिए अब दूसरे वाले में बनाएंगे। देखिए एक हमने बना लिया, बीच में हमें एक चैन लेना है। और जब इसमें हम दूसरे वाले में बनाएंगे तो हमें चैन नहीं लेना है। ऐसे ही पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने बना लिया, एक और चैन लेके
अब इसके ऊपर जो मोती बनी है इस शुरुआत किए थे इसको सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइंट कर दिए हैं। अब देखिए ये इसके बगल वाले लूप में सिंगल क्रोशिया ले गए हम, फिर एक चैन लेके इतना बड़ा कर लिए फंदे को, दो तीन चार एक बना लिए, एक चैन ले लिए हैं, दो तीन चार, ये दूसरे वाले में हमने किया है। अब इसमें एक लूप में एक एक ही बनता चला जाएगा एक चैन लेके। अब देखिए इसमें भी हम एक एक बना लेंगे, ऐसे ही एक एक करके पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। एक चैन लेके देखिए, देखिए ये लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम फिर एकदम सेम वैसे ही बना रहे हैं। दो तीन चार, देखिए एक हमने मोती बनाया, एक चैन लिया, ढीला चैन लेना है, फिर दूसरे वाले में बना रहे हैं। तीन चार, फिर एक चैन लिए, फिर दूसरे वाले में बना रहे हैं, दो तीन चार। देखिए एक चैन लेके हम ये मोती के ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर दिए हैं। देखिए ये थोड़ा सा ऐसे है ना उठा हुआ था, थोड़ा सी से अगर फैला दोगे आप लोग अच्छे से फैल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब दूसरे वाले में ले आके एक हो गया डबल क्रोशिया करनी है, दो हो गया, तीन हो गया। अब देखिए इस वाले में हम कर रहे हैं एक दो तीन, ये हम कर दिए। एक चैन भी ले सकते हैं आप कि जिससे सिकुड़न न आए, दो तीन। अब एक चैन लेके आगे वाले में ऐसे ही हमें ये पूरा लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया था, अब आगे हम बनाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल झोल नहीं आया है, आप लोग एक एक चैन ले लेना। जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही ये भी ग्रीन कलर का बनेगा। दो तीन, एक चैन का चार, एक हमने कर दिया, एक चैन ले लेंगे, चार, एक चैन लेके दूसरे वाले में बनाएंगे। एक चैन लेकर दूसरे में ऐसे ही पूरा लाइन हमें कंप्लीट करनी है। देखिए ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर का है मैंने पूरा पैटर्न बना लिया है। एक मोती बनाने के बाद फिर हमने एक चैन लेके फिर दूसरी यहाँ पे मोती बैठाई, एक ही लूप में डबल मोती बैठाई है। तो आप लोग एक जैसे एक मोती बना लिए हैं तो एक चैन मत लेना, फिर उसके बाद दूसरी मोती बना लेना एक में, फिर उसके बाद एक चैन लेके दूसरे वाले में बना लेना। ऐसे लाइन कंप्लीट कर दोगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा। अब देखिए जैसे हमने एक ग्रीन वाला बनाया था फिर यहाँ पे तीन चैन लेके सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट किया, फिर तीन चैन लेके फिर ज्वाइंट किया, फिर उसके बाद ये चैन में हमने डबल मोती बनाई है, फिर सिंगल मोती बनाई, फिर सिंगल मोती बनाई, फिर उसके बाद ये
सिंगल हम फंदे की बुनाई, डबल क्रोशिया लेके सिंगल फंदे की बुनाई किए हैं। ऐसे करके हमें एक दो तीन चार लाइनें बनानी है एक चैन का। सेम जैसे हमने इतना दूर ग्रीन के ऊपर हमने बनाया है, सेम ऐसे उसके ऊपर बनेगा। हम बना के आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने ये यहाँ से ग्रीन पर बताया था, उसके आगे हमने एक दो तीन चार लाइन बना लिया है। एक तो हमने यहाँ पे चैन बना के बांधे थे, उसी में ये मोतियाँ बैठाए थे, आपको बताए ही थे। आप लोग इससे भी बड़ा बनाना चाहते हो अब ऐसे ही, तब ग्रीन पैटर्न इस पर बैठा के चार लाइन और आगे बना सकते हो, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम इतना ही बड़ा बनाएंगे, टेबल कवर के लिए यूज करेंगे हम, या पूजा के थाल के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। मगर मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अगर चाहे जितना बड़ा बनाना चाहते हो, जैसे हमने यही पर्पस से आगे बढ़ाते आप बनाते चले जाना। अब यहाँ पे हम आगे नहीं बनाएंगे, अब इसका ग्रीन कलर लगा रहे हैं। एक दो तीन, तीन चैन कर लिए हैं। एक तो चैन का था और तीन फंदा हमने ले लिया, एक कर लिया, एक चैन लेंगे। अभी दूसरे वाले बनाएंगे, चार देखिए, एक चैन लेना है, फिर दूसरे वाले पे मोतियां बनानी है, ये चार ऐसे फंदे पकड़ के ऐसे कर देंगे तो पहले की नहीं मोती बनती चली जाएगी। ऐसे पूरे राउंड बना लेना है। देखिए आप लोगों को तो वहाँ पे ये पूरा राउंड बना लेना है। अगर इसके आगे बनाना है तो इसमें डबल डबल मोतियाँ डालनी हैं। और इसके बाद हम यहाँ बीचों बीच पैटर्न बनाना आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे देखिए देखिए एक यहाँ पे हमने सफ़ेद कलर का ऊन लगा दिया, एक दो दो तीन, ये चार चैन लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ये मोती के दोनों का ये जो यहाँ पे बंधा हुआ था, हम इसमें ले आके इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक दो तीन चार लेंगे, चार चैन लिए हमने। अब फिर एक ये जो पैटर्न है फिर यहाँ पे ले आके इसे हम बांध दिए। ऐसे ही करके पूरे राउंड में इसको चैन को यहाँ पे बांधना है। देखिए ये चैन हमने पूरा राउंड बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक कलर लगा ले रहे हैं, एक दो तीन। डबल क्रोशिया करके मोती बनानी है यहाँ पे, एक राउंड दो तीन चार, एक बना लिए, एक दो तीन चार, दो हो गए मोती, चार तीन हो गया, चार मोती बन गई।
एक दो तीन चार पांच बन गई मोती। छह बन गई मोती, देखिए छह मोती हमारे यहाँ पे बन गया। अब एक वाला ले चैन स्किप करके दूसरे वाले में बनाएंगे। देखिए एक बन गई, दो, तीन मोती बन गया। चार, पांच, छठी बन गई। देखिए हमारा एक पैटर्न बना, एक ये दो पैटर्न हो गया। अब हमें एक चैन का ये जो लूप बना है स्किप करके दूसरे वाले पे ऐसे बना लेना है, पूरे राउंड में ऐसे बना के कंप्लीट करनी है। देखिए हमने पूरा राउंड बना लिया है। अब ले आके हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया मोती के ऊपर इसे ज्वाइंट कर देंगे। एक और चैन ले लिए हैं, अब इसे काट देंगे। देखिए ये बन गया है। अब इसका हम आउटलाइनिंग बॉर्डर बनाएंगे, वाइट कलर से बनाएंगे। कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप लोग। देखिए अब एक जैसे मोती के ऊपर है ये फंदे, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मोती के बगल में जो गैप है उसमें भी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए अब हमें इसको सिंगल क्रोशिया, ये जो बीच में हम एक एक चैन हम छोड़े हैं इसको ले आके हम इसको हम बांध देंगे ऐसे। फिर इसके मोती के ऊपर कर लेंगे, इसके गैप में भी एक हो जाएगा, फिर एक मोती के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो गैप है देखिए इसमें से भी मोती के ऊपर गैप को ऊपर, ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करनी है। देखिए अब यहाँ पर आ गया तो इसको हमको लेके ऐसे ही करनी है, ऐसे टाइट से बांध देना है। देखिए ये आउटलाइन हमने बना लिया। देखिए ऐसे हम सभी राउंड पे बना लेंगे, यहाँ पर भी बना लेंगे, यहाँ पर भी ऐसे चैन करके इसमें जैसे हम ये पैटर्न बनाया है जहाँ जहाँ हमारा ग्रीन पड़ेगा वहाँ वहाँ ये पैटर्न उसके ऊपर जैसे फ्लावर की तरह खिला खिला दिखेगा। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो आगे बना सकते हो, हमने आपको ये पूरा बता दिया है। अगर ये थालपोज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ व्हाट्सअप फेसबुक पर। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।